गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग धावक कहानी में उसके प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण को पढ़ेंगे। धावक कहानी के लेखक संजीव का जन्म 6 जुलाई 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम धावक कहानी के प्रमुख पात्र भंबल दा के चरित्र चित्रण की विशेषताओं को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सच्चा मानव। भंबल दा एक सच्चे मानवता के गुण के संवाहक है। उनके अंदर जो सच्चे मानव के जितने भी गुण हैं वह उनके अंदर हम देख सकते हैं। वह अपने घर परिवार बहन की शादी का खर्च सब लोगों की या मैदान में दौड़ रहे अन्य खिलाड़ियों की भी वह चिंता करते रहे, क्योंकि मानवता का सबसे बड़ा धर्म होता है दूसरे की सेवा करना। और वह हर समय किसी न किसी की मदद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है परिश्रमी। वह एक बहुत बड़े परिश्रमी इंसान है। उनके कंधे पर पूरे घर का खर्च का बोझ था। माँ की बीमारी, बहन की शादी, इन सबके खर्च का वहन करने के लिए वह दिन भर दौड़ धूप करते रहते थे। इसलिए वह नौकरी के बाद पार्ट टाइम मुनीमे की भी नौकरी करने लगते हैं ताकि वह कुछ पैसे जोड़ पाए। और इतना ज़्यादा परिश्रम करने के कारण वह किशोरावस्था में ही बूढ़े हो गए थे, क्योंकि वह कोल्हू के बैल की तरह खटते रहते थे। तीसरा पॉइंट है मातृभक्त। मातृभक्त मतलब अपने माँ की सेवा करना। वह अपनी माँ की सेवा को ही भगवान की सेवा समझते थे। वह उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं देना चाहते थे। जब उनके बड़े भाई अशोक का गैर जिम्मेदारी का परिचय दी अपने माँ के प्रति, तो उन्होंने ही अपनी माँ को सहारा दिया। उनका सारा खर्च का वहन उन्होंने खुद ही किया। अशोक दा की स्थिति अच्छी होते हुए भी माँ का जितना भी खर्चा वो भंबल दा ने ही निभाया। और उसके बाद एक बार जब खेल में दूसरे खिलाड़ी माँ की कसम खाने को कहा तो उनका जो उत्तर था वही उनकी मातृभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। चौथा पॉइंट है त्यागी पुरुष। भंबल दा तो बहुत बड़े त्यागी पुरुष है। वो दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत करना, यही उनकी वह इसी को वह सबसे बड़ा धर्म समझते थे। शादी करने के बाद जब वह उनकी बहन अपना पति का घर छोड़कर घर लौट आई तो उसके लिए भी वह 50 रुपये हर महीने भेजा करते थे। उनकी माँ बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, वो उस खर्च को भी वहन कर रहे थे। यहाँ तक कि जब उनकी माँ ने उनकी शादी भी करवानी चाही तो अपनी भाभी के आचरण को देखकर उन्हें औरतों से एक विरक्ति सी हो गई थी और इसीलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। और सबसे अंतिम पॉइंट है स्वाभिमानी। भंबल दा बहुत बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वह कभी भी टूट सकते थे लेकिन कभी भी पीछे मुड़ना नहीं जानते थे। जीत में जब उनके भाई अशोक दा पुरस्कार देते समय अपना एहसान दिखा रहे थे तब उन्होंने पुरस्कार लेने से भी इनकार कर दिया था। थैंक यू बच्चों, तुम लोग मुझे अपना होमवर्क अगले दिन 1:40 के अंदर नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करोगे।